जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पास खुद 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पीओके पर जब भारत हमला करेगा, भारत की इंडियन आर्मी उस पर हमला करेगी, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडियन आर्मी का सामना कर पाएगा या नहीं? इसी और इसी बात को दोहराते हुए आज राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है और इस बयान के तहत जो उन्होंने पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी भी दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान पहले अपने घर को संभाले, वहाँ पर लोगों के पास जो है खाने के लिए जो है वो रोटियाँ नहीं है, वहाँ पर लोग जो है एक आटे की बोरी के लिए तड़प रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो पीओके की रट लगाए बैठा हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा जो है ये पीओके का रट लगाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत जल्द ही उसको जो है विलय करेगा हिंदुस्तान के अंदर। यानी कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री ने बयान दी है पाकिस्तान को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर में जो है एक खलबली सी मची हुई है। हो सकता है कि शहबाज शरीफ इसको लेकर के कोई बैठक करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान इसको लेकर के भी अब कोई अपनी रणनीति की तैयारी में लग जाए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है पीओके को लेकर के, उसको एक अलग तरीके से न देख करके सीधे सीधे पाकिस्तान के ऊपर जो है एक रणनीतिक हमले के तौर पर जो है वो देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पे जो है पीओके की बात को जो है वो दोहराई है और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही कुछ मुद्दों के ऊपर जो है वो अस्पष्ट नीति रही है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की समाप्ति, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पीओके का विलय, और कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे को अब राजनाथ सिंह ने जो है वो छेड़ दिया है। और वही दूसरी ओर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर भी जो है वो विधि आयोग में जो है इस वक्त जो है वो चर्चा हो रही है और लोगों से उसके ऊपर राय मांगी गई है। यानी जिन 5 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, उसने कहा था कि जब भी हम केंद्र की सत्ता में आएंगे इन 5 मुद्दों को जो है हम देश में लागू करेंगे, और अब उसी दिशा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कदम बढ़ा रही है। लेकिन जो पीओके के लेकर के जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, उससे अब ये स्पष्ट हो चुका है कि बहुत ही जल्द जो है भारतीय आर्मी सेना जो है पाकिस्तान के अंदर जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके है उसको जो भारत ने विलय की तैयारी जो है शुरू करेगी। चूंकि इससे पहले जो है सीडीएस बिपिन रावत ने भी जो है बयान दिया था और उन्हें कहा था कि जिस दिन जो है सरकार हमें आदेश देगी 24 घंटे के अंदर में पीओके का विलय भारत के अंदर कर दिया जाएगा। यानी भारत की पहले से ही स्पष्ट नीति रही है पीओके को लेकर के, और इस मुद्दे के ऊपर जो संसद में पहले से ही प्रस्ताव पारित हो चुका है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जितेंद्र जी आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर जब हमला होगा तो इंडियन आर्मी को सिर्फ एक कमांड की जरूरत है और पाकिस्तान का सफाया, पीओके पर भारत का तिरंगा लहराएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है? अब वो पाकिस्तान की वो हेकड़ी भरी चाल कहां दिखने को मिल रही है? बिल्कुल कहीं भी नहीं देखेगी। सिर्फ पाकिस्तान जो है वो अपनी गिदड़ भक्ति जो है आए समय जो है वो दिखाते रहता है, उसकी गिदड़ भक्ति से जो है अब भारत जो है डरने वाला नहीं है, इसलिए कि भारत की जो है सैन्य शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत जो है वो सामरिक स्तर पर और दुनिया के जो देशों के जो विश्वास में लेने की जो बात है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम सारे देशों के दौरा करके और खुद जो है दुनिया को भी इसके ऊपर जो है सहमत करने की भी कोशिश करते रहे हैं आए दिनों। इसलिए कहीं ना कहीं जो है अब देखा जाए तो इसमें कहीं किसी भी एंगल से पाकिस्तान की आर्मी न तो टिकने वाली है और न ही उसके द्वारा बहुत कुछ जो है किया जा सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी पीओके के अंदर ने पहले ही जो सर्जिकल स्ट्राइक करके ये साबित कर चुका है कि हमारी जो शक्ति और ताकत जो है वो कहाँ तक है और हम जब चाहे जहाँ तक चाहे जो है पीओके के ऊपर जो है हमला करके और हम अपने जो है खोई हुई जमीन को वापस ले सकते हैं। और आज इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है उससे और अब यह स्पष्ट हो गया है कि बहुत ही जल्द जो है पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे दी है राजनाथ सिंह ने, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुद की जनता अब डरी सहमी बैठी है और उनका कहना है कि अगर भारत की इंडियन आर्मी अगर पाकिस्तान पर हमला करती है तो वो तो रिकवर कर लेंगी इस हमले को, लेकिन पाकिस्तान की तो जीडीपी भी नहीं है और ना ही उनके पास रिकवरी वाला पैसा है। 8 बिलियन कुल उनका रिकवरी पैसा है और उसके अलावा 600 बिलियन इंडिया के पास है, तो क्या लगता है कि अगर ये हमला होता भी है तो पाकिस्तान की तो अर्थव्यवस्था जो बनी हुई है वो और ज़्यादा नीचे हो जाएगी, पर इंडिया अब इस लेवल पर
देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अब पीएम मोदी जा जाकर जो दूसरे देशों के पीएम है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल निशी, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है इस वक्त जो है पूरी तरीके से डमाडोल है। पाकिस्तान के अंदर जो है खुद गृह युद्ध जैसी जो है वो स्थिति है। हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो चार टुकड़ों में बच जाए, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर एक अलग तरह के जो है अलग राष्ट्र बनाने के जो है वो वहाँ पर मुहिम चल रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वहाँ के बलूचों के ऊपर आए दिन जो है वहाँ पर उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार करती है, उनका जो है किडनी का व्यापार, उनके अंगों का व्यापार जो है पाकिस्तान के द्वारा करके चाइना को जो है वो सप्लाई किया जाता है। पाकिस्तान जो है अभी खबरें आ रही थी कि अपने एटमिक जो बम है उसको दुनिया के किसी अन्य देश को बेचने के लिए जो है वो लगा हुआ है। यानी पाकिस्तान की जो स्थिति जो इस वक्त बहुत खस्ता हालत है, दूध वहाँ पर 200 रुपया लीटर है, पेट्रोल जो है के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है भारत के किसी भी युद्ध के हमले को नहीं झेल पाएगा, और शायद यही कारण है कि राजनाथ सिंह ने जो है ऐसे मौके पर बयान दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ कार्रवाई हो पीओके के लेकर के, और जल्द जो है पीओके को भारत में विलय करने के लिए जो है आर्मी अपना अभियान शुरू करे। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र जी आपने कि जिनके दामन में दाग होता है और जिनकी नियत खराब होती है तो उनको खौफ रहता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।